एक तरफ अतीक अहमद की कोर्ट में पेशी तो दूसरी तरफ अतीक के बेटे असद और गुलाम की इनकाउंटर। आज खून के आंसू रो रहा होगा अतीक अहमद, यह सोच रहा होगा कि आखिर मैं माफिया क्यों बना। आज अतीक अहमद बर्बाद हो चुका है, उसका भाई अशरफ और वो आज प्रयागराज के कोर्ट में पेशी के लिए पहुंचे थे तो दूसरी तरफ 5 लाख के इनामी असद और गुलाम को एसटीएफ की टीम ने इनकाउंटर में ढेर कर दिया। अतीक अहमद के बेटे असद को यूपी एसटीएफ की टीम ने झांसी में मार गिराया है। उसके अलावा एक और बदमाश गुलाम को भी पुलिस ने ढेर कर दिया है। झांसी में यूपी एसटीएफ की टीम की बड़ी कार्रवाई हुई है। अतीक अहमद के बेटे असद को यूपी एसटीएफ की टीम ने झांसी में इनकाउंटर कर ढेर कर दिया है। उसके अलावा एक और बदमाश गुलाम को भी पुलिस ने ढेर कर दिया है। झांसी में यूपी एसटीएफ की तरफ से बड़ी कार्रवाई की गई है। एसटीएफ की ओर से बताया गया है कि इन लोगों की घेराबंदी हुई तो असद और गुलाम फायरिंग करने लगे। इस पर जवाबी कार्रवाई की गई जिसमें दोनों मारे गए। यूपी एसटीएफ के एडीजी अफ्ताब यश ने इस इनकाउंटर की पुष्टि की है। उन्होंने कहा है कि लोगों के पास से विदेश में बने हथियार बरामद हुए हैं। अमिताभ यश ने कहा कि इन लोगों के पीछे हमारी टीम 1.5 महीने से जुटी हुई थी जिसमें आज हमें कामयाबी मिली है। कुछ दिन पहले 5 मिनट के फासले से ये दोनों मिस हो गए थे और चकमा देकर भाग निकले थे। माफिया अतीक के बेटे 5 लाख के इनामी असद ने अपने चाचा अशरफ की मदद से दिल्ली में शरण ली थी जिसको आज एसटीएफ की टीम के द्वारा जवाबी कार्रवाई में झांसी में इनकाउंटर करके ढेर कर दिया गया है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ एडिट यूपी।